वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स और मैं हूँ प्रियंका। सुबह सुबह के 8 बज रहे हैं, कुछ भी काम नहीं निपटा है मेरा, 8 बज चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने आज उठ के नहा धो के किचन का नाश्ता सब बनाया, बस इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं हुआ है। रूम का हाल तो बहुत बेकार हो रखा है, लाइट जला लेते हैं यहाँ की। और ये देखिए इतने सारे कपड़े मुझे यहाँ के संभालने हैं, बेड भी मैं उथल पुथल करके आ गई, कैसे होगा ये सारा काम, जल्दी जल्दी के चक्कर में सारा खराब हो गया था, अब आराम से करना है। सो गाइस, आज ना मेरा कुछ सामान खो गया था और उसे ढूंढने के चक्कर में मैंने सारे जो है सामान उथल पुथल कर दिए थे। वैसे भी मुझे अलमारी जो है सफाई करके कपड़ों को अच्छे से लगाना ही था और कुछ कपड़े मेरे एक्स्ट्रा भी थे गर्मी के, वैसे मैंने कुछ पहले रख दिए थे फिर भी बच ही जाते हैं ना, तो मैंने सोचा आज जो है सब कुछ मैंने बिगाड़ ही दिया है तो सारा बिगाड़ के दोबारा सब कुछ सही कर देती हूँ। और कपड़े जो भी नहीं पहनने वाले हैं उन्हें भी अलग छाट के रख दूँगी, तो बहुत सारे कपड़े हैं डेली यूज़ के कपड़े भी हैं इसमें, तो उस वजह से होता है ना जो है ख़राब हो जाते हैं, कपड़ों की ढेर लगाए लगाए ख़राब हो जाती है। तो बीच बीच में जो है मैं एक ही बार में सब कुछ कर देती हूँ, मतलब सही से तय करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं और मैंने जो है तय करना शुरू कर दिया है। तो इसके साथ ही बेड है, दो बेड में भी कपड़ा है, तो वहाँ पे भी मुझे अभी संभालना है क्योंकि वहाँ पे भी मैं गई थी ढूंढने के लिए, तो वहाँ पे भी मैंने बेकार कर दिया है। सारे कपड़ों की जो है मैंने तय बना के रख ली है और अब यहाँ पे रहेंगे मेरे कपड़े सारे डेली यूज़ के कपड़े ज़्यादा हैं। वैसे नए कपड़े तो मैंने कुछ बेड में भी डाले हैं, एक आधे होंगे इसमें सारे डेली यूज़ के। आजकल जाड़ों के दिन में होते हैं ना बहुत सारे कपड़े इस्तेमाल हो जाते हैं, इसीलिए तो तय करके तो रख दिए थे, अब इनको लगाने का टाइम आ गया है। तो अलमारी ना मेरे पास एक ही है और सारे कपड़े 3-4 बेड है उसमें मैं तय करके रख देती हूँ, तो इस वजह से जो है ज़्यादा कपड़े अगर एक साथ हो ना तो जल्दी मतलब वो हो जाते हैं, ख़राब हो जाती है उनकी ढेर। तो ये एक ढेर जो मैंने साइड रखा है ये मुझे भी इस्तेमाल में नहीं चाहिए, तो ये सीधे मैं बेड में डाल दूँगी, जो भी इस्तेमाल में नहीं रहते हैं। तो मैंने एक बेड बना रखा है, उस बेड के कपड़े बहुत कम ही खुलते हैं, बट मैंने आज वहाँ भी सब बिगाड़ दिया है तो वहाँ उसको डाल के आऊँगी। और जैकेट पैकेट वगैरह तो इसमें है ही नहीं, जैकेट पैकेट वगैरह मैंने भी बेड में ही डाले हैं, तो सारे आज मेरे हाथों हाथ हो ही जाएंगे। सो फाइनली नीचे के कपड़े मैंने अच्छे से तय करके रख लिए हैं। अभी पूरा नहीं हुआ है, जो है घर में कोई आ गए थे, फिर उनके साथ बैठ गई, चाय वाय पिला दी उनको और आधा घंटा उनके साथ मैं बैठी रह गई। फिर कोई आता है ना थोड़ा देर बैठना ही पड़ता है और चले गए हैं, चाय बना के चाय है पी लिया मैंने, अब फिर से लगता है काम पे, आज बहुत लेट हो जाएगा मुझे। अभी हमारे ईटी भी आने वाले हैं तो फिर मुझे बाहर जाना पड़ेगा, तो फटाफट से चलती हूँ, थोड़े से बचे हुए हैं। बेड भी मैंने वो कर रखे हैं ना, मुझे नहीं लग रहा है मैं उसे कर पाऊँगी क्योंकि अभी कपड़े भी धोने हैं, कपड़े वैसे भी नहीं सूख रहे हैं, फिर लेट हो जाएगी तो फिर तो उन्हें 2 दिन में भी नहीं सूखना है। दोबारा उसको जो बचा कुचा उसे तय कर लेती ऑफ। चलिए सुबह थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं, तो इस साइड का कॉर्नर बचा हुआ था और इधर रहते हैं हस्बैंड जी के कपड़े और एक आधे अनसूखे कपड़े रहते हैं, वैसे तो हस्बैंड जी का ही है ये वाला कॉर्नर, तो उनके कपड़े भी थोड़े से बिगड़ से गए थे, मैंने कहा चलो हाथों हाथ इनको भी तय करके रख देती हूँ ना इसीलिए। और कुछ कपड़े उनके मैंने हैंग करके रखे हुए हैं, वहाँ पे मेरे कपड़े कुछ भी नहीं है इसीलिए मेरे कपड़े ज़्यादा नीचे रहते हैं।
तो वहाँ के कपड़े संभालने के बाद फिर आ गई मैं इधर वाले रूम पे, और इधर वाले रूम पे देखिए बेड पूरा भरा हुआ है कपड़ों से। तो यहाँ पे भी मैंने कहा चलो पॉलीथिन को अच्छे से लगा देती हूँ, और ये निकला मेरा लहंगा शादी का। तो मैंने तो गाइस ये है मेरी शादी का लहंगा। तो अभी ये काफ़ी ओल्ड ज़माने का हो गया है, मतलब काफ़ी पुराना फैशन है। तो उस टाइम पे ना इसी टाइम के मतलब लहंगे चलते थे, आजकल तो काफ़ी मतलब हल्के में भी आने लग गए हैं। तो ये स्टोन वाले हैं और ये इतने भारी हैं ना, मतलब सोच रही हूँ मैंने पहना कैसे, अब तो मैं बिल्कुल पहन ही ना सकूँ, इतना ही भारी है ये। इसका दुपट्टा इतना हैवी है ना, ये जूड़े में जब बनाया था ना तो उसमें भी नहीं अटक रहा था ये, तो ये इतना भारी है। इसमें जो स्टोन वगैरह हैं आपने देखे होंगे, इनके वजह से इनका वेट काफ़ी हैवी हो जाता है। तो ये है, और इसको ना मैंने मतलब ऐसे ही तय करके बेड में डाल दिया था, और उसके बाद मैंने इसे कभी पहना भी नहीं। शादी के बाद मैंने इसे पहना, शुरू शुरू में पहना होगा शादी के टाइम पे, उसके बाद मैंने इसे आज तक छू के मतलब ट्राई भी नहीं किया ये कैसा लग रहा है करके। तो आज मैंने देखा ना बेड में, तो ये मुझे मिल गया बेड में, देखिए अभी भी बिल्कुल मतलब जैसा है बिल्कुल वैसे ही पड़ा है बिल्कुल भी। तो मैंने धुलवाया भी नहीं है क्योंकि मैंने इसे पहना ही नहीं है उस टाइम के बाद। ये तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं, इतने साल हो गए हमारी शादी को। अब मैं इसे फटाफट से तय करके रख देती हूँ, करने क्या गई थी और करने में क्या लग गई, ऐसे ही तय करके रख देती हूँ जल्दी से।
गाइस कपड़े वपड़े धो के मैंने सारे डाल दिए हैं और अभी धूप भी आ चुकी है, मतलब अच्छी धूप निकल चुकी है। सुबह तक तो लग ही नहीं रहा था कि मतलब कोहरा देख के धूप आएगी, बट धूप आ गई है। और मैंने और किचन भी सारा समेट के रख दिया है मैंने, देखिए बिल्कुल साफ हो चुका है। बर्तन रह रहे थे मेरे सुबह के, तो वो मैंने साफ कर लिया है। और आ जाए सूजी को नहलाने की बारी, तो एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती हूँ। और कल थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया था इसलिए मैंने कल नहीं नहलाया उसको, कल नहलाने की डेट थी उसकी। तो मैं सोच रही हूँ, आज भी मैं सोची थी पता नहीं कैसे नहलाऊंगी, धूप नहीं आएगी तो, बट धूप आ चुकी है तो उसे नहला देती हूँ। नाश्ता भी मैंने नहीं किया है, पानी गर्म होने के लिए गीजल में पानी था बाथरूम में, बट मैंने ना उससे थोड़े से कपड़े धो लिए, क्योंकि खाली फिर पड़ा पड़ा रहता है ना ऐसे, इसलिए मैंने उससे कपड़े धो लिए थोड़े से मिक्स करके, क्योंकि टैंकी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए उससे मिक्स करके धो लिए। और इसके लिए मैं इसमें बना लूँगी सूजी को नहला दिया है, ये देखिए नहा धो के रेडी हो चुकी है, खाएगी दूध और रोटी खाती है अभी सोने से पहले। सो गाइस सारा काम निपट चुका है और मैंने 1 बज गए हैं, तो मैंने बना ली अपने लिए चाय, सब्जी है, सब्जी में मैंने बनाया था बैगन का भरता जो कि मेरा फेवरेट है, तो बैगन का भरता चाय रोटी खा लेते हैं। 1 बज चुका है, नाश्ता करने का टाइम तो नहीं है, दोपहर का खाने का टाइम हो चुका है, बट कोई नहीं, दोपहर में वैसे भी मैं खाती नहीं हूँ, तो खाना ना खा लेते हैं टीवी देखते देखते आराम से, तो मैं थोड़ी देर टीवी भी देखूँगी। पता ही नहीं चला पूरा दिन मतलब ऐसे ही निकल गया मेरा। तो अभी तो शाम हो चुकी है, 5:30-6 बजने वाले हैं, और वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, मुझे अभी रात की तैयारी करनी है। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।